देखिए वॉयस इंग्लिश ग्रामर में वॉयस सीखिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का के भाग, चार भाग, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी को बारी बारी से मैं पैसिव वॉयस बताऊंगा, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉयस। इसको पहचान कैसे करते हैं, हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हो गया पहचानने का नियम, उसका रूल यानी बनाने का नियम, तो जो बनाने का नियम हो जाता है वही बनाने का जो नियम है वह बनाने का नियम जो होता है वह एक्टिव रूल होता है। देखिए यहां पर एक्टिव रूल को हम कैसे दर्शाते हैं आपको, तो एक्टिव रूल को आप यहां देखिए, सब्जेक्ट हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव, भी वन या भी फाइव प्लस क्या ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव रूल में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, जब भर में एस या एस लगाते हैं तो वो भी फाइव हो जाता है, क्लियर हो गया। और इस पर जब एग्जाम्पल लेंगे तो ही और ही के साथ भी फाइव लगता है, राइट्स, ऑब्जेक्ट के लिए हो गया ए लेटर, क्लियर है। अब इसे पैसिव रूल में देखिए, पैसिव रूल में, पैसिव रूल में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो बनता है सब्जेक्ट, तो बन गया पैसिव सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग भर इज एम या आर आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, और इज एम आर प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा भी थ्री होता है, तो भी थ्री प्लस बाय आया ना, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर भी थ्री बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब इस पर जब एग्जाम्पल लेंगे तो जो ऑब्जेक्ट बनता है उसी को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लेटर और उसके बाद इज एम आर में से इज भी थ्री, राइट्स का भी थ्री रिटेन होता है, याद होगा रिटेन, तो लेटर इज रिटेन, यहां तक तो आ गए, उसके बाद क्या है बाय और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट बने, तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम। यहां हिंदी हुआ कि वह एक पत्र लिखता है, यहां हिंदी हुआ कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है और वही फर्क आप देख रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद यानी आपको हमेशा बदल बदल करके बता रहे हैं एक्टिव रूल में किस तरह का नियम है, उसको एग्जाम्पल किस तरह का है, उसके बाद पैसे रूल में क्या रूल आएगा और उसका फिर एग्जाम्पल क्या होगा, क्लियर हो गया। फिर अगले पार्ट में अगला टेंस को देख पाइए।